हेलो एवरीवन, इस क्लास के अंदर हम प्रोग्रामिंग के दो अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है मेरे पास बॉटम अप अप्रोच। ये दो बेसिक अप्रोचेस जो है इनके बारे में हम ब्रीफ के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या होती है। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो, सो यू कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग मेथड्स। बहुत सारे मेथड्स आपके पास होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसी से हमारे पास निकल के आता है प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड जो है प्रोग्रामिंग का वो यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो लेट्स गो थ्रू दीज वन बाय वन। प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू इनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए टास्क। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की के भैया जो प्रोग्रामिंग है वो है क्या। तो इसके अंदर क्या होता है कि वी क्रिएट सम प्रोग्राम्स, हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होती है। ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या हमारे किसी टास्क को सॉल्व करती है, क्लियर। अब ये जो हमने लाइन लिखी है हम इसको बोलते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड, फाइन, ओके। अब ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है अगर ये किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है लाइक सी प्लस प्लस, सी जावा में लिखा है, तो हमें इसे कंपाइल करना पड़ता है। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो क्या होएगा, इसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड। अब जो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही जो है हमारा हमारा प्रोग्राम होना चाहिए तभी वो रन होता है, फाइन। तो ये तो हो गया मेरे पास प्रोग्राम हो गया, सोर्स कोड हो गया। एंड यूजली जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स है उसको हम सॉफ्टवेयर हम बोल देते हैं, फाइन। तो ये था मेरे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। ओके, देन वी विल गो बैक टू द डेफिनेशन। द प्रोग्रामिंग इज डन बाय डेवलपिंग लॉजिक एंड देन राइटिंग इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मान लो आपने कोई मैथमेटिकल कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप उसका लॉजिक तैयार करना पड़ेगा कि भैया ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कैसे करनी है, और जब मेरे को लॉजिक पता चल गया तो मैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करूंगा। मैं सी को चूज कर सकता हूँ, सी प्लस प्लस को कर सकता हूँ, जावा को कर सकता हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैं अपना जो है प्रोग्राम लिखूंगा और मेरी प्रोग्राम का प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं ए प्रोग्राम कैन बी रिटन यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस अवेलेबल। तो मेरे पास बहुत तरह की जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस हैं जो है अवेलेबल है, उनमें से किसी भी प्रैक्टिस का मैं यूज कर सकता हूँ टू क्रिएट ए प्रोग्राम, फाइन। अब प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस रेफर्स टू द वे ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम एंड इज यूज अलोंग विद कोडिंग स्टाइल गाइडलाइंस। कोडिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम, ठीक है, और द क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर, ओके। अब आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, फाइन, वो डिसाइड करती है हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, फाइन। और इसी के साथ ही हम कुछ कोडिंग की जो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वो हम फॉलो करते हैं। और जो बेसिक जो मेरे पास प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस हम यूज करते हैं, वन इज टॉप डाउन प्रोग्रामिंग, वन इज बॉटम अप प्रोग्रामिंग एंड वन इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप डाउन प्रोग्रामिंग क्या होती है और बॉटम अप प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टॉप डाउन एंड प्रोग्रामिंग अप्रोच, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो जो टॉप डाउन है वहां हम हाई लेवल से, ठीक है, एक लो लेवल पे आते हैं, क्लियर, जबकि बॉटम के अंदर हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाते हैं, फाइन। तो यूजली क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप डाउन की। टॉप डाउन में क्या होता है कि हम एक जनरल चीज से स्पेसिफिक चीज की तरफ जाते हैं, ठीक है, जनरल चीज से स्पेसिफिक चीज की तरफ हम जाते हैं। हम मान लेते हैं कि जो मेरी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी एक सिंगल प्रॉब्लम है,
फाइन। और यूजली इसके बाद क्या होता है, हम इस प्रॉब्लम को फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर जो पार्ट्स बने उनको आगे फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फाइन। तो हम इस केस में क्या हुआ, टॉप से चले बॉटम की तरफ। अब ये जो बॉटम टॉप था, यहाँ पे सब कुछ जनरल होता है कि हमने प्रॉब्लम में करना क्या है, फाइन। जनरल प्रॉब्लम होती है, उसको हम आगे आगे जाते जाते नीचे की तरफ जाते जाते हम स्पेसिफिक होते चले जाते हैं, और लास्ट में हमारा जो एक्चुअल जो मॉड्यूल जो सॉफ्टवेयर है या जो उसके कॉम्पोनेंट है वो हम तैयार करते हैं। अब इसको मान सकते हो कि टॉप डाउन दिस इज माई कार, मुझे कार बनानी है, फाइन। अब कार के लिए मुझे एक बॉडी चाहिए, एक मुझे इंजन चाहिए, ठीक है। अब बॉडी के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए, सस्पेंशन चाहिए, टायर चाहिए, फाइन। ऐसे इंजन के लिए हो सकता है मुझे एक क्लच चाहिए, फाइन। सिमिलरली एक मॉड्यूल हो सकता है कि मुझे एक कंबस्टन चैम्बर चाहिए। तो बहुत सारी चीजों में आप डिवाइड कर सकते हो, जबकि बॉटम अप में इसका उल्टा है। तो बॉटम अप में क्या होता है कि हम छोटे छोटे कंपोनेंट पहले बना के रख लेते हैं, लाइक अल्टरनेटर जो कि कार में भी यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास टायर्स है, मैं टायर पहले बना लिए, मैं इनको कार में यूज कर सकता हूँ, फाइन। मैं कार में भी यूज कर सकता हूँ, मैं स्कूटर में भी यूज कर सकता हूँ, और मैं ट्रक के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम बॉटम में क्या होता है कि सबसे जो छोटे कंपोनेंट है उनको हम तैयार करते हैं इन केस ऑफ बॉटम अप अप्रोच, और फिर उनको जोड़ते चले जाते हैं, वी कीप देम इंटीग्रेटिंग, और लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। वो प्रोडक्ट मेरा कार भी हो सकता है, मेरी बाइक भी हो सकती है, फाइन, जो भी मैं बनाना चाहता हूँ यूजिंग द कंपोनेंट्स अवेलेबल, ठीक है जी। ओके, सो ये तो था बेसिक अबाउट टॉप डाउन एंड बॉटम अप। अब हम बात करते हैं टॉप डाउन डिजाइन मॉडल की, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन टॉप डाउन मॉडल एन ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड विदाउट गोइंग इनटू डिटेल फॉर एनी पार्ट ऑफ इट। तो शुरू में जैसे हमने बताया था कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, शुरू में हमें सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू होता है, फाइन। हमें हमारे पास सिर्फ सिस्टम का ओवरव्यू होता है कि सपोज आप करोगे, आप कोई नई चीज बना रहे हो, कोई बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो हमें नहीं पता होता शुरू में कि भैया इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम उस केस के अंदर टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, फिर हम जनरल से स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जाते रहते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम को मान लो, ये मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम है, जनरल सोल्यूशन है, मान लो कि मैंने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है और मुझे नहीं पता कैसे बनेगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके बारे में सोचते हैं, एक जनरल ओवरव्यू बनाते हैं, और फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, दो या तीन जितने भी अपने बनाने हैं, फिर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भैया हाँ अगर ये ऐसे चलेंगे तो क्या होगा, फिर अगर इनसे ही बात नहीं बनती फिर हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं छोटे पार्ट्स के अंदर, और ये जो आगे आगे जब जा रहे हैं तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिफाइन होती चली जा रही है। ये जो पार्ट है ये डिटेल्ड है, फाइन, और ये छोटे कॉम्पोनेंट है, ये तो बड़ा कॉम्पोनेंट जैसे कि कार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर टायर भी होते हैं, सस्पेंशन भी होते हैं, फाइन, रिम भी होते हैं, बहुत कुछ मेरे पास होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं हम जा रहे हैं रिफाइनमेंट की तरफ, क्लियर, ओके। अब आगे डिस्कस करते हैं, ईच पार्ट ऑफ इज देन रिफाइंड इनटू मोर डिटेल्स, डिफाइनिंग इट इन येट मोर डिटेल्स अंटिल द एंटायर स्पेसिफिकेशन इज डिटेल्ड थ्रू डिटेल्ड इनफ टू वैलिडेट द सिस्टम, और तब तक हम चले जाते हैं जब तक कि मेरा पूरा सिस्टम जो है वो वर्केबल नहीं हो जाता, और जिसको हम वैलिडेट भी कर सके, हमें उस सिस्टम को वैलिडेट करना होता है, ये बताना होता है कि हाँ भी मेरा सिस्टम जो है पूरा हो गया है। तो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं वो सारे हम यूजली इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जो, और इसके अंदर हम स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करते हैं इन केस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, जहाँ पे वी ब्रेक द प्रॉब्लम इंटू पार्ट्स, ओके, देन ब्रेक द पार्ट्स इंटू पार्ट्स, सोन एंड नाउ ईच पार्ट ऑफ द विल बी इजी टू डू। हमने एक पहले तो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर पार्ट को फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि हम इनको इजीली सॉल्व कर पाए। तो जितनी प्रॉब्लम छोटी होगी तो उतने ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या है टॉप डाउन अप्रोच की। अब टॉप डाउन अप्रोच में क्या है कि ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू पार्ट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई व्हाट नीड टू बी डन। तो हमें ये पता चल जाता है छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद कि हमें एक्चुअल के अंदर करना क्या है, ओके। एट ईच स्टेप ऑफ रिफाइनमेंट न्यू पार्ट्स विल बिकम लेस कॉम्प्लेक्स एंड देयरफॉर इजी टू सॉल्व। अब जब कोई चीज छोटी हो जाएगी तो वो लेस कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और इजी टू सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम मेरे पास अब छोटी है, बड़ी नहीं, ओके। दूसरा ये है कि जो हम कंपोनेंट बनाएंगे ऊपर से नीचे आते हुए, फाइन, तो हो सकता है कि ये रीयूजेबल हो,
भैया हम इसको किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये भी फायदा है। ब्रेकिंग प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स अलाउ मोर देन वन पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपने क्या किया, पहले आप एक ही थे, अकेले थे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अब आपने इसको दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर क्या है कि आप इसके अंदर आप एक अलग पर्सन लगा सकते हो और इसके ऊपर एक अलग से पर्सन आप लगा सकते हो। अब ये बंदे अलग अलग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम जो है इंडिपेंडेंट है और दो बंदे आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को जो है एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बॉटम अप डिजाइन मॉडल की। इसके अंदर क्या होता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मेरे पास सारे डिटेल्ड कंपोनेंट होते हैं और हम इनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते चले जाते हैं। फाइन, जैसे कि लिखा भी है, इन दिस डिजाइन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स आर स्पेसिफाइड इन डिटेल, कि जो छोटे छोटे पार्ट है वो डिटेल में होते हैं। दीज पार्ट्स आर लिंक्ड, हम इन पार्ट्स को जोड़ते हैं टू फॉर्म लार्जर कॉम्पोनेंट्स विच आर इन टर्न लिंक्ड अंटिल ए कंप्लीट सिस्टम इज फॉर्म। ये तब तक हम जोड़ते चले जाते हैं, मान लो कि मैंने दो कंपोनेंट बनाए फिर इनको जोड़ दिया, ऐसे ही दो कंपोनेंट किसी दूसरे बंदे ने बनाए थे इनको जोड़ दिया, फिर बाद में इन दोनों सब सिस्टम को जोड़ दिया, तो ये बन गया मेरे पास कंप्लीट सिस्टम। ओके, अब जो मेरे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा, ये यूजली बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बात करती है और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटीज वो होते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज की। इसके अंदर क्या है कि मेक डिसीजन अबाउट रीयूजेबल लो यूटिलिटीज देन डिसाइड हाउ दे विल बी पुट टुगेदर टू क्रिएट हाई लेवल कंस्ट्रक्ट। तो हमें सिर्फ डिसीजन बनाना होता है कि लो लेवल डिसीजन जो यूटिलिटीज है वो कैसे बनेगी, देन हमें इनको जोड़ के एक अपना इजीली जो है एक हायर लेवल कंस्ट्रक्ट जो है वो बना देना होता है, तो इजीली हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमने डिटेल कंपैरिजन यहाँ पे किया है टॉप डाउन का और बॉटम अप का, तो आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना है एंड आपने इसको फुल इसके नोट्स जो है वो बना लेने हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिव जो है वो कंपैरिजन है। हम इसको एक दो पॉइंट जो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे टॉप डाउन है, इन दिस अप्रोच वी फोकस ब्रेकिंग अप द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट, जबकि इसके अंदर क्या है, वी सॉल्व स्मॉलर प्रॉब्लम देन इंटीग्रेट एज ए होल टू कंप्लीट द सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये कौन कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है, ये होता है कोबोल के अंदर, फोरट्रान के अंदर, सी के अंदर, जबकि ये वाला अप्रोच होता है सी प्लस प्लस, सी शार्प और पाइथन के अंदर। ईच प्रोग्राम ईच पार्ट इज प्रोग्राम सेपरेटली देयर फोर कंटेन रिडंडेंसी, तो इसके अंदर रेपिटेशन हमारा हो जाता है, जबकि इसके अंदर जो रिडंडेंसी है वो मिनिमाइज होती है ड्यू टू डाटा एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग। ये कंसेप्ट जब आप समझोगे, जब आप सी प्लस प्लस या जावा को पढ़ोगे कि डाटा हाइडिंग क्या होती है और इनकैप्सुलेशन क्या होती है। ओके, इनके अंदर जो है मॉड्यूल के अंदर कम्युनिकेशन बहुत कम होती है, ठीक है, जबकि इसके अंदर कम्युनिकेशन जो है बड़े ही हाई लेवल की और ज्यादा रहती है। ओके, इट इज यूज इन डिबगिंग मॉड्यूल डॉक्यूमेंटेशन एटसेट्रा, जबकि ये टेस्टिंग के अंदर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ओके, इन टॉप डाउन अप्रोच डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, जबकि इन बॉटम अप कंपोजिशन टेक प्लेस, भी यहाँ तो हम तोड़ते हैं, हेयर वी ब्रेक हेयर वी कंबाइन। ओके, इन दिस टॉप फंक्शन सिस्टम माइट बी हार्ड टू आइडेंटिफाई, इस सारे फंक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, इन दिस केस इन दिस समटाइम वी कैन नॉट बिल्ड ए प्रोग्राम फ्रॉम द पीस वी हैव स्टार्टेड, जो हमारे पास पीसीज अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, हो सकता है कि शुरू में हम उससे कंपोनेंट ना बना पाए, हमें और कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं और फिर उनको जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, इन दिस इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में डिफर। ओके, दिस इज नॉट नेचुरल फॉर पीपल टू असेंबल। फाइन, तो असेंबल इतना इजीली नहीं होता, थोड़ा सा हमें जो टेक्निकल लोग हैं वो इजीली उनको पता होता है कि हमने असेंबलिंग जो है वो कैसे करनी है कंपोनेंट्स की। और अगर आप टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हो तो मान लो एक बंदे ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया सेम, तो हो सकता है कि उसकी कोडिंग अलग हो, डिजाइन अलग हो, और दूसरे बंदे ने भी वही बनाया, तो हो सकता है कि उसका जो डिजाइन और कोडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। फाइन, सो ये था मेरा बेसिक कंपेरिजन टॉप डाउन का और बॉटम अप का। सो दिस वॉज एज पर यूर सिलेबस, यू कैन स्टडी मोर अबाउट दिस टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक्स। तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो ये डिटेल में भी आप इसको डिस्कस जो है वो करोगे। सो विद दिस थैंक्स।